हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। तो जैसे ये है हमारे पास जियो का कनेक्शन लग चुका है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। तो सेट टॉप बॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है, मैंने आज पता किया था उनसे सेट टॉप बॉक्स कब तक आएगा, तो वो बता रहे हैं 1 महीना लगेगा। तो मेरा एक विचार था, क्योंकि इसी मीनवाइल में एयरटेल ने अपना एक्सट्रीम बॉक्स को लॉन्च कर दिया है। अब इस वीडियो का मेन क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता होगा कि एयरटेल का एक्सट्रीम लगवाया जाए या जियो का सेट टॉप बॉक्स लगाया जाए, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो ये जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक जब आप पहुंचेंगे आपको ये सवाल आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों में से बेटर कौन सा है। फ्रेंड्स, अभी जियो का हमने लगवा लिया है फाइबर कनेक्शन, इस पर वीडियो जिसने नहीं देखे मैंने सजेशन में डाल दें, जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छी स्पीड है, 100 Mbps की आ रही है। कैसे लगाना है, कैसे सेटअप करना है, सब मैंने बता रखा है। अगर आपका राउटर नहीं है तो आप राउटर ले लें, कैसे लगाना है वो मैंने बता दिया। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सेटअप बॉक्स कौन सा लेना है। मैं तो सेटअप बॉक्स जियो का ही लूँगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जियो फाइबर है, मेरे पास एयरटेल के कनेक्शन भी हैं टीवी में। तो ये सवाल मेरे में भी आया था, फिर मैंने रिसर्च किया और सारा आपको बताने वाला हूँ कि एयरटेल एक्सट्रीम और जियो सेटअप बॉक्स में एक्चुअली में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ जो एयरटेल का जो आ रहा है एक्सट्रीम बॉक्स, ये अगर आपके पास कोई एयरटेल का कनेक्शन नहीं है तो ये आपको 4000 रुपये का आएगा। नंबर वन, 4000 रुपये खर्चने पड़ेंगे। 4000 में आपको क्या मिलेगा? आपके घर पे सेट टॉप बॉक्स, अगर आपके पास 4K टीवी है तभी लें, नहीं क्योंकि उसका पूरा एडवांटेज तभी आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें 4K क्वालिटी के चैनल्स आपको देखने को मिले। तो होगा क्या फ्रेंड्स, इसमें जैसे ही आप कहेंगे आपको OTT सर्विस, जिसको OTT सर्विस के बारे में नहीं पता, ये जैसे नेटफ्लिक्स का आजकल ज़माना आ गया, नेटफ्लिक्स और Amazon Prime, आजकल काफ़ी लोग यंग जनरेशन खासकर, मे बी ओल्ड भी करते हैं बट यंग जनरेशन 18 साल से लेके जो 35, 36, 40, 45 तक हैं, वो पसंद करते हैं अपने मोबाइल पे वेब सीरीज़ जैसे आजकल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, वो देखना पसंद करते हैं। तो वो अब ये टीवी, मतलब जो डिश टीवी और ये एयरटेल वाले सोच रहे हैं कि अब जो इंटरेस्ट है नई यंग जनरेशन का, वो इन पर शिफ्ट हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप टीवी पर ही वो वेब सीरीज इंजॉय करें और आपको स्मार्ट टीवी ना लेना पड़े, बट आपको 4K क्वालिटी अगर देखनी है तो 4K तक तो आपको टीवी लेना ही पड़ेगा। तो ये अगर आपके पास टीवी है जो कि स्मार्ट नहीं है, तब आप इस एक्सट्रीम जो एयरटेल का निकला है उसकी मदद से ये सर्विसेज देख पाएंगे। 4000 रुपये में आपको आई थिंक एक साल या 6 महीने की आपको, ये उन्होंने कन्फर्म नहीं किया है, ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन पैसे से मिलती हैं आपको। हर एक का कुछ ना कुछ रेट है, नेटफ्लिक्स का कुछ ना कुछ महीने का रेट है तभी आप देख पाएंगे, पेड सर्विस है, अमेजोन प्राइम का कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है तब आपको देखने को मिलता है। तो जब आप ये 4000 रुपये भर के एयरटेल का बॉक्स ले आएंगे तो आपको कुछ टाइम के लिए फ्री मिलेंगी सर्विसेज, तो आप इंटरनेट को इन्जॉय कर पाएंगे। येस, वन इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास या तो अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ऑलरेडी होना चाहिए इन सर्विसेज का मजा लेने के लिए। अगर आपके पास स्लो नेट है तब आप कतई मत लेंगे, जिनके पास अच्छा नेट है तो कॉम्बो ले सकते हैं। तो कॉम्बो एयरटेल भी अपना फाइबर लॉन्च कर रहा है, करा हुआ है, जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है आप लगवाएं, उसके साथ ही इसका फ़ायदा है एक्सट्रीम बॉक्स का। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है अच्छा तो आप कतई ना लगाएं, आपका पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि जो हाई एंड क्वालिटी का डाटा मतलब कंटेंट उस पर आएगा तो वो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट स्लो होगा, तो इंटरनेट मस्ट है। तो 4000 रुपये आपने भर लिया, आपके पास इंटरनेट ऑलरेडी है, तब आप ये चीज़ों का मजा उठा पाएंगे। तीसरा, उस पर गेमिंग का कह रहे हैं, गेमिंग भी अवेलेबल होगी, लेकिन ये गेमिंग वही अवेलेबल होगी जो गूगल के एंड्रॉयड, जो हमारे पास प्ले स्टोर आता है ये उससे लिंक है। बेसिकली इन शॉर्ट, अगर सिंपल शब्दों में आपसे कहूँ तो एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स एक गूगल का एंड्रॉयड बॉक्स है, क्योंकि एंड्रॉयड टीवी जैसे आपके कई आते हैं उसमें गूगल प्ले स्टोर खुल जाता है, वैसे इसकी हेल्प से इसमें भी आपका गूगल प्ले स्टोर खुल जाएगा, उसमें जो गेम्स अवेलेबल होंगी वो आप अपने टीवी पे खेल पाएंगे, दैट्स इट। तो ये है एयरटेल एक्सट्रीम का 3-4 पॉइंट्स में पूरा समरी आपको मैंने दे दी। अब बात करते हैं जियो के सेट टॉप बॉक्स की, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है, वो एक बड़ा पैकेज है, उसमें आपको काफ़ी अलग ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप जियो फाइबर आपके पास कनेक्शन है, जैसे मेरे पास है, तो मेरे को वो फ्री में मिलेगा, मुझे कोई 1 रुपया भी देना, तो यहाँ पर बेटर। नंबर टू, इसके बाद अगर आप उसका एक्चुअल प्राइस देखें तो काफ़ी एक जगह पर रिव्यूज़ में लिखा हो वो 6000 रुपये का है, क्योंकि वो ज़्यादा हाई एंड बॉक्स है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। 500 के आसपास आपको चैनल मिलेंगे देखने को 4K क्वालिटी में उस सेटअप बॉक्स पे,
नंबर दो सैटेलाइट कनेक्शंस, मतलब इसमें इंक्लूड होंगे। नंबर दो उसमें ओटीटी सर्विसेज आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन है फ्री, जैसे एयरटेल में आपको मिल रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें तो एयरटेल भी दे रहा है। उसके अलावा जियो आपको क्या देगा? जियो आपको देगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऑप्शन, मतलब कि आपके टीवी पे डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग हो जाएगी, एक साथ अप टू 4 मेंबर्स के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे, और वो भी अच्छी HD क्वालिटी के अंदर। तो ये चीज़ आपको इधर मिलेगी, क्योंकि अब फ्यूचर यही है, फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग हो रही है, कई बार कनेक्शन कटता है, अच्छा नहीं आता, पर ये जो चीज़ आ रही है इससे आपका क्लियर कट, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही उसी अच्छी क्वालिटी में आपकी वीडियो कॉलिंग 4 लोगों से हो पाएगी इसके हेल्प से। ये आपको कौन दे रहा है? जियो दे रहा है। चौथा, आपको स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करने की ऑप्शन भी इसमें मिलेगी, वो ऑप्शनल होगा अगर आप लेना चाहते हैं, बट ऑप्शन इज देयर, यू कैन डू दैट। अब बात आते हैं गेमिंग की। गेमिंग इसमें डिफरेंट कैसे है? इसमें गेमिंग इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये एज सच कंसोल काम करेगा, और जैसे कंसोल आते हैं, कंसोल PS4 और माइक्रोसॉफ्ट का आता है Xbox, वो चीज़ें ये जो वहाँ पर रिलीज होते हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की गेम्स, हाई एंड गेम्स, वही गेम्स आप इस जियो के सेट टॉप बॉक्स पे खेल पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जो कि एयरटेल आपको स्ट्रीम बॉक्स नहीं दे रहा। तो ऑल एंड ऑल जियो का जो सेटअप बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैकेज की चीज़ें लेके आ रहा है स्मार्ट थिंग्स की आपके पास, और अगर वह जियो फाइबर है तो वो आपको फ्री में लगेगा। उसके बाद जो ये इनकी सब्सक्रिप्शंस हैं, या अगर आप पेड गेम्स जो आती हैं वो पेमेंट देनी पड़ती है उनके, वो अलग से चीज़ें हैं, बट आपको फैसिलिटी उन्होंने दे दी है जो कि एयरटेल आपको नहीं दे रहा। तो ऑल एंड ऑल अगर आप पैकेज देखें तो रिलायंस जियो सेटअप बॉक्स का पैकेज इज़ फार बेटर। बाकी ये सारी चीज़ें आपको अगर आप मतलब वीडियो के बजाय पढ़ना चाहते हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ब्लॉग है getmadam.com, उस पर आप जाइए, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं, जो भी लेटेस्ट गैजेट्स में होता है इसके बारे में भी डाला गया, तो आप ज़रूर विज़िट करें ज़रूर एक बार, और वहाँ पर भी आप कमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ पर आपको जो जो आर्टिकल्स आते हैं उसके आपको मैसेज आ जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे वहाँ पर भी, वहाँ पर एक फॉर्म आता है उसको फिल कीजिए बस। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो आंसर इज़ क्लियर, क्वेश्चन था सेटअप बॉक्स जियो सेटअप बॉक्स लिया जाए जियो फाइबर का या एयरटेल का एक्सट्रीम, तो सिंपल आंसर है अगर आपको मल्टीपल चीज़ों का बड़ा पैकेज अच्छे रेट पे चाहिए देन जियो विंस है। तो आपको पसंद आएगा वीडियो, और जैसे सेटअप बॉक्स आएगा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस पर रिलेटेड आगे पूरा रिव्यू कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं तो मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।